Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was shown black flags by the protesters who claim to be the supporters of veteran social activist Anna Hazare on his arrival at the Patna airport on Thursday. The protesters allege that Kejriwal has betrayed Hazare. Kejriwal will share stage with his Bihar counterpart Nitish Kumar today and deliver a lecture on governance. Last week, Nitish Kumar was in Delhi to attend the Bihar Samman Sammelan as chief guest. The event was organized by the AAP government in an attempt to help Kumar connect with the Delhi-based Bihar voters. Meanwhile, highlighting the ongoing tussle between the centre and AAP government, JDU leader Ajay Alok said that one should not play politics over Kejriwal's visit to Patna. एक राज्य का मुख्यमंत्री एक राज्य के बुलावे पे राज्य सरकार के राजकीय निमंत्रण पे आ रहा है और इसमें भी लोगों को राजनीति दिख रही है, ये कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनका कुछ नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में ऐसे लोगों को आजादी मिलती है, ठीक है, करें, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में तो लोग को दिख ही रहा है कि एक चुनी हुई सरकार जो 70 में से 67 एमएलए जिसके हैं, 70 out of 67 एमएलए जिसके हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। एक जांच आयोग तक केंद्र सरकार नहीं बैठाने देती है एक चुनी हुई सरकार को, किससे सरकार काम करेगी? ये देश बहुत गलत हाथों में चला गया है, नियंत्रण खो रहा है देश। जहां गुजरात फेल्ड स्टेट हो गया है कि जहां पर मुख्यमंत्री नहीं सीधे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, वो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने का हर हथकंडा अपना रहे हैं ये लोग। और केजरीवाल जी का क्या है? केजरीवाल जी यहां आए बिहार सरकार के निमंत्रण पे, हमारे अतिथि हैं, हम तो स्वागत करेंगे। केजरीवाल जी अपने आप में पॉजिटिव है, मैसेज देने की क्या जरूरत है? केजरीवाल जी में नेगेटिव है ही नहीं, वो सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। करेस्पॉन्डेंट सूरज फ्रॉम पटना फॉर ANI।